दांत। अभी हम लोग बस्ती में आए हैं। बस्ती में हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो आज है नेक्स्ट डे, कल था सगाई, तो सगाई तो खत्म हो गया और घर आने के बाद तो बहुत ज्यादा थक गए थे, तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किए। और आज सुबह से भी ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बनाया है, तो अभी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं आ गई हूँ बस्ती वाले घर में। देखिए यहाँ का घर कैसा है, वहाँ का घर तो आप लोगों को दिखाया ही नहीं। यहाँ से जाऊंगी ना तो वहाँ का घर दिखाऊंगी। शानी क्या कर रही है? तो अभी हम लोग यहाँ पे आए घूमने, यहाँ पे बारिश हो रही है, थोड़ा बारिश हो रही है, फिर रुक जा रही है, फिर हो रही है। यहाँ पे थर्ड नंबर वाले भैया है ना, वो रहते हैं और यहाँ पे उनका घर है। यहाँ पे पूरा खाली खाली ये दिख रहा है ना, अभी मैं आप लोगों को ना बैक कैमरे से दिखाऊंगी। ये सब हम लोग का जमीन है। क्या हुआ? कपड़ा लेकर आया नहीं आज हम लोगों को ना, जाना था रिटर्न लेकिन टिकट बना नहीं, तो संडे को हम लोग निकलेंगे यहाँ से। कपड़ा लेकर आया नहीं है, ये देखिए दो ही साड़ी लेकर आए थे, तो अभी कल वाला ही साड़ी हम आज पहने हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन है, विशाल है और दीदी है और मेरी जेठानी है। इधर आओ, जाओ 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 भैया के साथ, जाओ जाओ इधर जाओ भैया के पास। अच्छा एक एक मिनट, हम लोग का जमीन कौन कौन सा है, हम लोग का जमीन कौन कौन सा है? टोटल जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है। सो गाइस यहाँ से आप लोगों को यहाँ कहाँ से, यहाँ से ये एंड से आपको उधर जहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, आँख सब हम लोग का है। बस इतना बड़ा जमीन है। विशाल विशाल और भी वो अंदर अंदर वाला है, वो भी तो अपना ही है ना। इधर आइए, यहाँ से व्यू दूसरे का है। ये वाला घर दूसरे का है ना। इसके पीछे से जो जितना दिखाई देगा ना, ये वाला जो घर दिख रहा है ना, इधर से दिखाया है ना आप लोगों को, तो ये घर हम लोग का नहीं है। बाकी आपको दूर तक दिखाई दे रहा है ना, अभी जंगल है नहीं तो अंदर जाकर आप लोगों को दिखाते हैं। दूर तक, वहाँ दूर तक दिखाई दे रहा है ना, ये सब हम लोग का है। इधर है ना ये घर है ना, इसके पीछे जितना है वो पीछे तक सब हम लोग का है। अच्छा पीछे एक और घर दिख रहा है, पूरा बिहारी का जमीन। सो गाइस आपको पीछे एक छोटा सा घर दिख रहा है ना, एकदम छोटा सा, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे छोटा सा घर, ये वहाँ तक हम लोग का जमीन है। सो गाइस ये सामने वाला जो घर है ना, ये हम लोग का नहीं है। बाकी इसके पीछे जितना आपको दिख रहा है ना, सब हम लोग का है, यहाँ से लेकर और पूरा वहाँ तक। ये पूरा रोड का पूरा जमीन है हम लोग का। देखिए हमारे पापा जी मम्मी जी ने कितना कुछ करके रखे हैं हम लोग के लिए। किधर थुप्पा मिलता है? सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं थुप्पा खाने। नॉनवेज नहीं, वेज। आंटी आता हूँ ना पहला। यहाँ पे किसी के लिए बन के रखा हुआ है। देखिए दीदी बुला रही है वीडियो बनाने के लिए। क्या है? आंटी हम लोग को तुप्पा खिलाएगी। ये देखिए तुप्पा यहाँ पे है। बीस साल बाद, नहीं 22 साल बाद आइए। 22 3 साल नहीं, ये सेकंड टाइम है, सेकंड टाइम है। रानी यस्तै रहेछ त कान्छी नन्द त देवर ए देवरानी बनाएको तीन चार जगह ओ सम्झिनी ये आज बनाएको दीदी का पूरा बचपन यही गुजरा है, जन्म यही हुआ है, जन्म यही हुआ है।
आपका बिहार में शादी हो गया ना, आप सब पानी भी यहाँ लिए, सब कुछ यही की, वहाँ ले जाके खाली शादी कर दी। कभी नहीं गए थे उससे पहले, एक बार की दोबारा शंभू भैया के शादी में गए थे, दुकान सा नहीं थी। आप कभी नहीं गए थे बिहार? एक दो बार ही गए और वहाँ पे शादी हो गया। 3 बजे बोला जितेंद्र भैया की शादी में गए थे, एक बार शंभू भैया की शादी में, उसका शादी हो गया। दीदी का फ्रेंड है गोमा, मिल नहीं पाई है। ससुराल में है ना? अमरीकापुर। अमरीकापुर किधर है? अमरीकापुर आपका है सामने ही, आजकल रास्ता हो गया, रास्ता हो गया तो आप सब सामने। अभी हम लोग धुप्पा खाकर आ गए। देखिए यहाँ पे तामुल का भी पेड़ है, ये तामुल का पेड़ है, ये वाला तामुल का पेड़ है। पहले ना यहाँ पे खेती होता था, दीदी यहाँ पे सब्जी उगाती थी। अभी देखिए घास जमा हुआ है, और ये लौका का पेड़ तो लगा हुआ है ना, ये लौका ही है ना, फूल फरा हुआ है अभी लौका। हाँ तो वही अभी लतर रहा है, और इसमें अदरक का भी खेती होता है, अभी हुआ नहीं है, अभी अदरक नहीं, अभी नहीं लगा। अब फूल का खजाना है यहाँ पे। सो गाइज, बस्ती का घर यही है, और यहाँ पे ठड वाले भैया रहते हैं, मेरी ठड वाली जेठानी। तो अभी आप लोगों को थोड़ा सा बस्ती वाला घर दिखा देते हैं। वो सामने आप लोगों को दिख रहा है ना, ये मिल है, तो ये है मिल और ये है घर। यहाँ पे अक्सर ऐसा ही घर देखने को मिलेगा। और जो शांतिपुर में घर है ना, वहाँ पे पक्का वाला है, पूरा पक्का वाला है, छत है, वहाँ पे 2 मंजिल का घर है। तो वहाँ पे जाएंगे ना तो आप लोगों को दिखाएंगे पूरे अच्छे से वहाँ का घर कि वो कैसा है। अभी तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, तो यहाँ का घर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे जहाँ भी देखेंगे ना आप लोगों को सामान ही दिखाई देगा, क्योंकि ये सारे दुकान का सामान है। भैया मिल चलाते हैं, भैया का बिजनेस वही है, तो मिल से रिलेटेड जो भी सामान होता है वो सब रखा रहता है। राई रहता है, सरसों रहता है, गेहूं भी रहता है, धान भी रहता है, ये सारी चीज़ें रखा रहता है। और ये कि यहाँ पे रूम है, और ये है हॉल, और इसमें एक बेड लगा हुआ है, और बड़ा सा बेड है, इस पर सब लोग सोते हैं, रात में बच्चे लोग सोते हैं, और ऐसे दिन में सब लोग बैठता है यहाँ पे, बातें बातें करते हैं। क्योंकि यहाँ पे साइड में, मतलब ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये कि ये रूम है, और एक यहाँ पे रूम है, तो रूम अभी बंद है। और वैसे वो स्टोर रूम की तरह है, उसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है, दुकान से रिलेटेड जो भी सामान है सब रखा हुआ है। और दीदी जहाँ पे खड़ी है, ये है किचन। तो अभी देखिए खाना बन रहा है, खाना नहीं, नाश्ता बन रहा है शाम का। हम लोग आए हुए थे तो हम लोगों के लिए दीदी बना रही थी। तो यहाँ का घर ऐसा ही है, मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं दिखा रही हूँ, थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ। और यहाँ पे एक छोटा सा झोपड़ी वाला घर दिख रहा है ना, तो पहले ऐसा ही घर था यहाँ पे, लेकिन अभी तो बहुत अच्छा बन गया है। और ये घर बने हुए ज्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 4-5 साल हो रहा है। और ये मिल तो भी हाल फिलहाल में बना है, 1-2 महीने पहले ही रेडी हुआ है। ये है मशीन वाला घर, और देखिए यहाँ पे ऑयल निकलता है, ऑयल वाला मशीन है ये। और ये देखिए खड़ी है, कितना सारा खड़ी यहाँ पे रखा हुआ है, और ये सब खड़ी सप्लाई होता है। यहाँ पे लाइट भी नहीं है, दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। सामने से आप लोगों को दिखाते हैं, ये देखिए सरसों पेड़ आता है ना, सरसों से ऑयल निकलता है ना, ये उसी का खड़ी है, इसको खड़ी बोलते हैं हम लोग, बहुत सुंदर इसका खुशबू आता है। तो ये खड़ी है, सरसों राई जो होता है ना उसका खड़ी है ये। ये वाला है तेल का मशीन अभी, हाँ, लेकिन ये मशीन अभी आधा अधूरा है, खराब हो गया है मशीन, कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो भैया गए हैं बनवाने के लिए। ये है ऑयल का मशीन, और वो है आटा चक्की का ना, आटा पिसाता है ना उसमें, वाले मशीन में आटा हल्दी, उसमें तो और भी कुछ भी पीस सकते हैं। हाँ, इसमें धान कुटाता है, इसमें से चावल निकलता है, एक साइड से भूसी निकलता है, एक साइड से चावल निकलता है। सेम इसी टाइप का मशीन ना मेरे मायका में भी था।
सेम ऐसा मशीन ना मेरे मायके में भी था लेकिन अभी नहीं है क्योंकि बहुत मेहनत लगता है मशीन चलाने में। तो अभी सब हट गया है, सब बेच दिए। छोटे पापा चलाते थे, पहले तो मेरे पापा चलाते थे, उसके बाद छोटे पापा को दे दिए, छोटे पापा बेच दिए। अभी हाल फिलहाल कुछ टाइम पहले ही बिकाया है, एक दो साल पहले। तो सेम ऐसा ही मशीन था मेरे मायके में भी। अभी वहाँ पे वही ग्रोसरी का शॉप है, छोटे पापा अभी ग्रोसरी के शॉप पे बैठते हैं और मेरे पापा जॉब करते हैं, टीचर है वो। यहाँ का घर देखिए कैसा होता है, ऊपर से छत नहीं रहता है, इस टाइप का छत बनाया जाता है। ये है बस्ती का घर और यहाँ पे हर चीज़ नेचुरल है ना, बहुत अच्छा लगता है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टाइम यहीं पे स्पेंड करते हैं जब भी आते हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन लगता है हम लोगों को। चारों तरफ हरियाली हरियाली नज़र आता है और चिड़िया की चहचहाटे तो इतनी सुनाई देती है कि पूछिए मत, बहुत सुकून मिलता है। जब सासू माँ शादी करके आई थी तो यहाँ पे घर झोपड़ी वाला था, अभी तो खैर बहुत अच्छा बन गया है। और पहले इस एरिया में तो इस टाइप का घर दिखता ही नहीं था, सिर्फ झोपड़ी वाला ही घर दिखता था। और आज भी बहुत जगह पे ऐसा ही घर दिखने को मिलता है यहाँ पे। घूमते घूमते हम लोग देखिए कहाँ आ गए। अभी हम लोगों को जाना है मंदिर, भोले बाबा का मंदिर है यहाँ पे, लेकिन अभी इस नदी को पार करके जाना था। पानी वैसे ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन मुझे पानी से बहुत डर लगता है, तो इसके लिए मुझे डर लग रहा था। तो मैं बोली कि मैं नहीं जाऊँगी। विशाल और दीदी बोल रही थी कि चलते हैं पार करके, लेकिन मैं नहीं गई। सो गाइस देखिए यहाँ पे शिवलिंग है और ये भोले बाबा का मंदिर है। यहाँ पे पूजा करने आते थे क्या दीदी आप? उधर मंदिर है, मंदिर उधर है। यहाँ से ब्रिज था, यहाँ से ब्रिज था ना पहले, तो हम लोग पार हो जाते थे। अभी गहरा है बोल रहा है ना, गहरा है वो, अंदर है मंदिर तो बड़ा था। बहुत मंदिर अंदर है, बहुत बड़ा पूजा होता है यहाँ पर। मंदिर अंदर है, शिवलिंग यहाँ पे है। पुराण होता है, पुराण जानते है भगवत पुराण? ऐसा होता है, एक हफ्ता होता है, पूरा मेला लगता है, बहुत सुंदर होता है। सुंदर क्या होता है, बड़ा सा शिवलिंग है ना, बड़ा सा है, शिवलिंग बड़ा सा है ना। अरे ये पानी इसका ऊपर से चलता था ना, तो बहुत सुंदर लगता था वो शिवलिंग ऊपर से। देखिए हम लोग जंगल में आए। सो गाइस हम लोग 3 साल पहले आए थे ना, तो ये ब्रिज बन रहा था, अभी देखिए बन गया। कहाँ से कैसे आता था, कैसा आता था, इधर से घूम के आता था ना। देखिए अभी हम लोग कहाँ आए हैं, कहाँ घूमने आए हैं हम लोग। सिलघाट तारानी के ब्रिज पे है। क्या नाम है? सिलघाट तारानी। सिलघाट तारानी शांतिपुर। शांतिपुर तो बस्ती वाला जो घर है ना, इस जगह का नाम है सिलघाट तारानी। और जहाँ पे मतलब मार्केट में जो घर है ना, उस जगह का नाम है शांतिपुर, सदिया शांतिपुर। यहाँ पे ज्यादा प्रॉपर्टी है और वहाँ पे थोड़ा कम है। तो वहाँ पे जो घर है ना, बस उतना ही है। और यहाँ पे तो बहुत सारा है, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया है, बहुत सारा ज़मीन है यहाँ पे। आज का दिन हम लोग बहुत घूमे, बहुत एंजॉय किए। वैसे तो कल था एंगेजमेंट, तो एंगेजमेंट ख़त्म होने के बाद आज मुझे पूरा फुल मौका मिला था घूमने का। तो आज का पूरा दिन हम लोग बस्ती वाले घर में बिताए। और अभी बारिश का मौसम है ना, तो बारिश भी हो रही है बीच बीच में, लेकिन हम लोग फिर भी घूम रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। बहुत अच्छा लगता है मुझे बस्ती वाले घर में, क्योंकि यहाँ पे ना चारों तरफ हरियाली हरियाली नज़र आती है और ये सब चीज़ नेचुरल दिखता है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन लगता है। तो आज मैंने आप लोगों को अपना घर दिखाया, एक छोटा सा होम टूर दिया। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों ने आज का ब्लॉग इन्जॉय किया या नहीं किया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।